दोस्तों सब्सक्राइब करिए स्मार्ट हेल्प फॉर यू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए ये लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त दानिश खान। कल से एक न्यूज़ बहुत चल रही है, एजाज खान गॉट अरेस्टेड विद ड्रग्स। तो हमारे जितने मीडिया के दोस्त हैं और मेरे जितने वेल विशर्स हैं, एजाज भाई के जो फैंस हैं, सबका ये कहना था कि दानिश भाई आप कुछ वीडियो बाइट दीजिए। मैंने किसी आऊँगा तो मैं इसलिए हाजिर हूँ। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एजाज भाई का कल जो अरेस्ट हुआ है वो तो एक अलग चीज़ हो गई है, इस बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि अब जो बोल रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। कल शाम में इस एबीपी न्यूज़, जो हमारे हिंदुस्तान का एक माना हुआ न्यूज़ चैनल है, उसकी एक न्यूज़ थी एजाज भाई के अरेस्ट को लेकर। 5 मिनट की उन्होंने एक स्टोरी बनाई एजाज खान के अरेस्ट के ऊपर। यूजुअली जो भी क्राइम होता है 1.5 मिनट 2 मिनट या 30 सेकेंड्स में ये लोग कवर करते हैं। एजाज भाई से इतनी मोहब्बत थी कि 5 मिनट का उन्होंने रिसर्च करके बैकग्राउंड वगैरह देख के उन्होंने बताया कि हमने एक स्टोरी बनाई है। तो 5 मिनट में उन्होंने क्या बताया मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम का ठेकेदार अपने आप को समझने वाला, इस्लाम का ठेकेदार एजाज खान रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म का धंधा करने वाला एजाज खान, जो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करता है इस्लाम के बारे में, वो ऐसा घिनौने इंसान की आप असलियत देखिएगा, ये है उसकी असलियत। इतनी बड़ी बड़ी अल्फाजें उन्होंने वीडियो में कह दी। सबसे पहले मैं एबीपी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा, शुक्रिया अदा इस बात का कि इस बहाने से उन्होंने कुरान की एक आयत को कोट कर दिया। आज तक इनको तौफीक नहीं मिली थी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तौफीक मिल गई, एक आयत को कोट किया। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ की एक 5वें पारे की आयत है, 5वें पारे में सूरा है, सूरह निसा, उसकी कोई आयत में ये लिखा है कि नशा करना बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। मैं ख़ुद कहता हूँ कि बिल्कुल हराम है, कुरान शरीफ में ऑब्वियसली लिखा गया है और रिपोर्टर ने कोट भी किया है। लेकिन बेचारे रिपोर्टर साहिबा को ये मालूम नहीं है कि वो एक 5वें पारे की नहीं, वो 7वें पारे की, और सूरह निसा नहीं है, सूरह माईदा है, जिसकी आयत नंबर 90 और 91 है, जिसमें साफ अल्फाजों में लिखा गया है कि नशा करना बिल्कुल हराम है। तो ये लोग थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मुसलमान कुरान शरीफ को भी कोर्ट सही नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम कुरान की तालीमात हम लोगों को पहुंचा के ये बताएंगे कि हम जो बोलने जा रहे हैं आगे बहुत ऑथेंटिकेट है, वैसा कुछ भी नहीं है। इनको वो भी नहीं मालूम नहीं है कि क्या कोर्ट करना चाहिए क्या कोर्ट नहीं करना चाहिए, इनकी गलती नहीं है। अगर इनको पता होता भी तो शायद ये अब तक मुसलमान हो गए होते। बहरहाल हमारा वो मुद्दा नहीं है। मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगा कि एक कॉन्स्पिरेसी है ये, 5 मिनट का वीडियो बना के ये दिखाया जा रहा है कि एजाज खान की जो पहले की वीडियोस हैं इस पर मेहनत की गई, मीडिया ने मेहनत की, ख़ास तौर पर एबीपी न्यूज़ वालों ने मेहनत की, एजाज भाई के रमज़ान की वीडियोस निकाले, कुछ कट किया, फिर एजाज भाई का अब का विजुअल निकाला, फिर आगे जो वो टोपी पहन के नमाज के बारे में कह रहे थे तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही मोहतरमा ने कि एजाज खान जो इस्लाम के ठेकेदार वगैरह वगैरह करते हैं ये उनका असली चेहरा है। एक बात आप सोचिए दोस्तों कि क्या वजह हो सकती कि एजाज खान के लाइव वीडियोस को जाना, उनके पेजेस में जाना, जबकि एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, आप चला दिए और ख़त्म कर दिए तो बात ख़त्म थी यहाँ पे, लेकिन आप उनके फेसबुक के पेज पर जाना, उनके लाइव वीडियोस को उठाना, उसका कंटेंट लेकर आना और उसमें क्रॉप करना और दिखाना कि ये एजाज खान कहता है इस्लाम के बारे में और देखो वो कैसा मुसलमान है। एक क्राइम जब होता है आप उसको मज़हब से एकदम जोड़ दिए, एजाज खान को एकदम उनके क्राइम को मज़हब से जोड़ दिए, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्या ये उनको खौफ है कि कल के दिन एक मुसलमानों का बड़ा लीडर बन सकता है या बन चुका है? शायद कहीं ना कहीं खौफ है, तो वो ये चाह रहे हैं कि उनका जो इस्लामिक इमेज है उसको कहीं हद तक ख़राब किया जाए, जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा इस्लाम का ठेकेदार, मोहतरमा एजाज भाई कोई ठेकेदार नहीं है और इस्लाम का कोई ठेकेदार यहाँ पर नहीं है, ये आपके अल्फाज गलत है।
आपने कहा कि धर्म का धंधा करने वाला एजाज खान, धर्म का धंधा अगर आप कहते वो प्रज्ञा जो है, वो साक्षी महाराज जो है, वो राम रहीम जो बंदर लोग हैं उनको बोल सकते हैं आपके जो धर्म का धंधा करते हैं, जो पकड़े भी गए, ये कोई मौलाना नहीं है, ये कोई पंडित नहीं है, वो आपके जो प्रज्ञा वर्ग्या जो लोग थे उनकी तरह जो लोगों को लूट रहे हैं, पैसा खिला खा के ये कर रहे हैं, वो ये इंसान नहीं है, ये एक जेन्युइन एक्टर है जो अपने फैंस को, एक मज़हब को मानने वाला है, वो अपनी एक नॉलेज दे रहा, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई धर्म का ठेकेदार है, धर्म का धंधा करने वाला है। आपने एक उनका विचार होगा यूट्यूब चैनल दिखा दिया और कहा कि देखो इसके 2 लाख सब्सक्राइबर है, ये इनकी उससे आमदनी आती है, इसलिए ये आमदनी बढ़ाने के लिए, अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। मोहतरमा, 2 लाख सब्सक्राइबर छोटे छोटे बच्चों के हैं आजकल, उससे कोई आमदनी का ज़रिया नहीं होता किसी का, 2 लाख या 10-10 लाख सब्सक्राइबर है लोग का, ये कोई धंधा नहीं है। जब यूट्यूब नहीं था, जब से एजाज खान बात कर रहा है मुसलमानों के हक़ में, हिंदुस्तान की भलाई के लिए बात कर रहा है, तो ये मत बोलिए कि यूट्यूब का चैनल से उनको ग्रोथ करवाने के लिए या अपने फैंस बढ़ाने के लिए हरकत कर रहे हैं। आपकी सोच गलत है, आपका जर्नलिज्म, आपकी थिंकिंग बहुत गलत है, आपका होमवर्क सही नहीं है। आपको चाहिए था कि मेहनत करें इसके ऊपर, मेहनत नहीं करें, आपको लगा चलो इस पर हम बात कर लें लेकिन ऑथेंटिकेट बात नहीं करें, बेवकूफ़ सी बात है कि धर्म का धंधा करना चाह रहा है। तो मोहतरमा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करिए। आपका खौफ मैं समझ सकता हूँ, पूरे चैनल का खौफ समझ सकता हूँ कि जो इस्लामिक इमेज है एजाज खान का, उसको हम कहीं ना कहीं उसको हम डाइवर्ट करें, लोगों को बताएं। आप ये सोचिए कि एक 5 मिनट का वीडियो बना के एक न्यूज़ को चलाने की क्या ज़रूरत थी कि ये देखो मुसलमानों के बारे में ये कहने वाला वो ऐसा हरकत कर रहा है। आपको मैं जानता हूँ आपको कोई मज़हब से, इस्लाम से आपको कोई हमदर्दी तो नहीं है, लेकिन पहली बार आप एक कुरान की आयत भी कोट कर दिए, तो आप दूसरी आयत भी कोट करना था कि जब एजाज खान दूसरों की मदद के लिए आवाज़ उठाता था तो वो आयत को भी आप कर दें। लेकिन आप कभी ने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन पहली बार एक आयत को कोट किया जब एजाज खान का ऐसा विजुअल सामने आया। तो इसे मकसद कहीं ना कहीं हम सब समझ गए हैं कि आप जो इमेज है एजाज खान का, जिससे आप सबको खौफ है कि ये कल का मुसलमानों का लीडर बन सकता है या बन चुका है, तो उसको स्पॉइल करने के लिए, लोग बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है कि क्यों बना इस चीज़ को मज़हब से जोड़ा गया, क्यों एजाज खान का, आप सब सोचिए एजाज खान का ये जो भी केस है जो बाद में क्लैरिफाई होगा, जिस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन इतना सोचिएगा गौर से कि क्या वजह थी कि अगर कोई इंसान पकड़ा जाता है कोई केस में, उसके पुराने वीडियोस, वो भी ख़ासतौर पर इस्लामिक वीडियोस, अब तक तो ऐसा करे नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं करे, कोई बाबा रामदेव या कोई बड़ा कोई इनका जो पंडित वगैरह होते, जो जैसा मैंने नाम लिया प्रज्ञा वर्ग्या, जिसके नाम भी लेना मैं सही नहीं समझता, वैसे लोगों के अगर वीडियोस होते जिनके बहुत भक्त होए और लाखों में लोग बैठे हैं, जिनको ये लोग धोखा दे रहे हैं, उनको आप कह सकते हैं ये चिल्लर पॉलिटिशियन की हरकतें हो सकती जो धर्म का धंधा करते हैं। एजाज खान एक एक्टर है, वो एक नसीहत दे रहा है, आप उसको धर्म का धंधा मत कहिए। आपकी जर्नलिज्म को चाहिए कि आप उसको ज़रा इजाफा आपकी नॉलेज में भी हो तो अच्छी जर्नलिज्म करिएगा, तो ऐसी बेवकूफ़ बातें मत करिए। और आप जो कोशिश कर रहे हैं, जो आपका प्रोपागेंडा है कि आप एजाज खान की इमेज, जो मुस्लिम इमेज है, आपको डर है कि एजाज खान कल मुसलमानों का लीडर ना बन जाए, जिसके लिए आप ऐसी न्यूज़ बनाए, जिसके लिए आप इतनी मेहनत करें, काबिल तारीफ़ भी है, लेकिन अफसोस बहुत फुस हो गया आपका मामला। तो सब दोस्तों से यही कहूँगा कि एजाज खान के लिए दुआ करिए, जितने भी लोग हैं जो आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, आज तक जो उठाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उन सब के लिए भी ये बात है कि कहीं ना कहीं अगर आप सच बोल रहे हैं तो उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। छोटे से कोई बिजनेसमैन से अगर आप कोई लफड़ा हो जाता है, तो आज के टाइम पे कोई इतना तो पावरफुल है कि आपको कोई भी केस में फंसा दे। एजाज भाई तो बड़े बड़ों को एक्सपोज कर चुके, तो ये तो एक्सपेक्टेड था, उन्होंने अपने खुद वीडियोस में भी कहा था कि मुझे कभी भी किसी भी तरीके से ये लोग वो करा देंगे। तो बहरहाल प्रे फॉर एजाज भाई। तो अभी हम लोग हमारे अदालत पर भरोसा है, कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि उनको इंसाफ मिले। आप सब सपोर्ट करिए और हम सबको एक साथ होकर एजाज भाई के लिए दुआ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला खैर, अल्लाह।